Good students, today I am going to teach you about living thing in soil. Living thing in soil, different types of the living things are found in soil. Okay, here there are many types. There are many living things in soil, as earthworm, micro or penis. Earthworm, microorganism, and tiny insect, tiny insects. Okay, which help of the soil, to be fertile. Okay, earthworm during make his burrow at that time air mist in soil, which is very useful to insects. Okay, and you know that different types of the organism also take food to eat up earthworm. Okay, thus all microorganism, earthworm, insect make soil humus. In humus में तो जैविक मिट्टी में वो बदल देते हैं जो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है और वह मिट्टी पौधों और फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाती है. ओके, एज लोमी सॉइल, जिसको हम कहते हैं दोमट मिट्टी, यह बहुत ही उपजाऊ होती है. और यह कैसे बनती है, इसमें यह चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी के मिक्सचर से यह बनती है. और जीव जंतुओं के सड़ने से, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी राटे नहीं सड़ जाती है, और सड़ने के दौरान जो कंपोनेंट तैयार होते हैं वो ह्यूमस हो जाते हैं, जो जैविक मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, जो मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाते हैं.
जो पौधे की वृद्धि और उनके ग्रोथ वगैरह के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ओके एंड यू नो दैट इन सॉइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट परसेंटेज। हियर सॉइल has here rock material, rock material, rock material, air, water and organic living thing. ऑर्गेनिक मटेरियल एंड लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। ओके रॉक मटेरियल, सॉइल के रॉक मटेरियल की जो क्वांटिटी होती है ये 45%। ओके ये 25%, एयर वाटर 25% एंड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड लिविंग थिंग, इनकी जो क्वांटिटी होती है सॉइल में वो 5%। 5% क्वांटिटी इज फाउंड इन सॉइल। ओके एंड 25% वाटर इज फाउंड इन सॉइल, सॉइल में 25% वाटर पाया जाता है। एंड हियर एयर द क्वांटिटी ऑफ एयर इज फाउंड इन एयर इन सॉइल, 25% एयर फाउंड इन सॉइल एंड रॉक मटेरियल 45% सॉइल। ओके एंड यू नो दैट सॉइल प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, soil refine of the water to observe pollution, pollute water, soil observe the pollute water material and fresh water make in underground. Okay, thus soil is very important part which filter and pollute of the water in ground. Okay, ये मिट्टी जो है पॉल्यूटेड वाटर को ये क्या करती है, फिल्टर करके और वह जमीन के अंदर सुरक्षित रखती है, जिसको हम लोग उसका यूज ड्रिंकिंग व पीने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से मिट्टी के जो सारे कंपोनेंट हैं, सभी जो कंपोनेंट हैं ये क्या करते हैं, यह वाटर, जो वाटर में जो पॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं, ये दूर करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद उनको स्वच्छ होते हैं, स्वच्छ करते हैं। ओके इस प्रकार से सॉइल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन द सॉइल। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आई विल टीच यू टुमारो। ओके स्टूडेंट थैंक यू।